पंडित दीनदयाल गया रेलखंड पर भभुआ रोड स्टेशन के समीप एक 40 वर्षीय युवक की टहलने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की जानकारी होते ही स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जीआरपी पुलिस को सूचना दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बताते चले कि मृतक युवक मोहनिया से डड़वा वार्ड 3 का निवासी स्वर्गीय मुन्नीलाल यादव का पुत्र अजय कुमार सिंह बताया जाता है। घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को मिली, परिजन भागे दौड़े घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक युवक को देख परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि अहले सुबह युवक अपने घर से टहलने के लिए निकला था, इसी दौरान रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौत हो गई। घटना के संबंध में जीआरपी प्रभारी रामसेवक सिंह ने बताया कि एक युवक की अहले सुबह ट्रेन की चपेट में आ जाने से मौत हो गई है। घटना की जानकारी परिजन को दे दी गई है। वहीं मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। क्या मामला हो गया है? इसी जगह बगल के गांव डावा एक है, वहीं का था। अजय कुमार सिंह यादव बाबूजी के नाम है, स्वर्गीय मुन्नीलाल सिंह यादव, ग्राम डावा मोहनिया के रहने वाले हैं। उम्र करीब 40 वर्ष। कब ये घटना है सर? 4:15 बजे हम लोगों को सूचना मिली है। परिजन आ गए उसके शव को? हाँ, परिजन आ गए हैं, उनको पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिया जाएगा। सर, इस महीने लगभग कितने मृतक का नाम है? अजय कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय लाल मुनि सिंह, ग्राम डडवा वार्ड नंबर 3, नगर पंचायत मोहनिया, थाना मोहनिया के मूल बिहार के ही निवासी हुए। सुबह 4:45 में ट्रेन से कट गए, क्योंकि हम लोग के सामने ही गांव के सामने दक्षिण तरफ रेलवे ट्रैक है, और ये टहलने के लिए इधर आ रहे थे और पार किए लाइन उसी दरमियान कट गया। हम लोग को सूचना मिली, पहुँचे तब तक जीआरपी के थाना अध्यक्ष भी पहुँच गए और लाश को ले आए, उठाकर हम लोग साथ में आए और जीआरपी में यहाँ सब लिखा पढ़ी हो रहा है, उसके बाद जाएगा पोस्टमार्टम करने के लिए। पोस्टमार्टम करने के बाद परिजन को लाश मिलेगी तो फिर दाह संस्कार किया जाएगा।